आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगे मनवाने के लिए सक्रिय हो गई हैं। पिछले एक माह में 3 बार मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा मांगों पर विचार न किए जाने से नाराज हैं। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन एटक के जिला अध्यक्ष सूरज लोधी के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को गायत्री मंदिर से ब्लॉक की सभी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य सड़कों पर रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस विधायक हर्ष यादव एवं मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। देवरी से ईएमएसटीवी के लिए निखिल सोधिया की रिपोर्ट। गोटेगांव के नए कृषि उपज मंडी प्रांगण में गुरुवार को मणिनागेंद्र सिंह फाउंडेशन द्वारा निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल सम्मिलित हुए। शिविर में 1835 नागरिकों ने नेत्र शिविर में जांच कराई। विधायक जालम सिंह ने कहा कि मानव स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास किया जाना इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। तत्पश्चात स्वर्गीय मणिनागेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम हम लोगों ने मणिनागेंद्र सिंह जी पटेल मोनू भैया फाउंडेशन की तरफ से किया है। इसमें आंखों की आई पी बीमारी जो चल रही है इसकी रोकथाम के लिए, जिसमें हमारी टीम भी पूरी लगी हुई है। जबलपुर से, नरसिंहपुर से, गोटेगांव से डॉक्टरों की टीम भी आई, जिसमें विधायक जी श्री जालम सिंह जी पटेल उपस्थित रहे। उनके मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। गोटेगांव से ईएमएसटीवी के लिए राहुल पाटकर की रिपोर्ट।